हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में मैगजेस 200 कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। मैगजेस 200 कैप्सूल का मुख्यतः उपयोग महिला के बॉडी में मौजूद प्रोजेस्टेरोन की कमी की समस्या दूर करने में किया जाता है। आइए इस कैप्सूल के बारे में और अधिक विस्तार जानते हैं। ये कैप्सूल कैसे काम करती है, क्या इस्तेमाल होती है, इस कैप्सूल के क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, इस कैप्सूल से जुड़े सभी सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मैकलाइड्स फार्मास्यूटिकल कंपनी की ये 10 कैप्सूल की स्ट्रिप आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर 245 रुपये में आसानी से मिल जाएंगे। बात करते हैं इसमें मौजूद कंटेंट के बारे में। मैगजेस 200 कैप्सूल में प्रोजेस्टेरोन IP 200 mg ये कंटेंट समझते। इसमें मौजूद प्रोजेस्टेरोन यह एक फीमेल स्टेरॉयड हार्मोन है जो अंडाशय और एडरेनरी ग्लैंड्स और प्रेगनेंसी के दौरान प्लेट्सलेटा में तैयार होता है। प्रोजेस्टेरोन का कार्य महिला की प्रजनन प्रणाली से जुड़ा होता है और यह प्रेगनेंसी में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। बात करते हैं इस कैप्सूल की यूजर्स की, डॉक्टर इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। इस कैप्सूल का इस्तेमाल मानसिक धर्क का समय पर न आना या फिर समय से पहले आने की समस्या दूर करने में किया जाता है। इसे प्रोजेस्टेरोन की कमी की वजह से मानसिक धर्क में ज़्यादा ब्लीडिंग होने की समस्या दूर करने में भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। इसे एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग की समस्या दूर करने में भी इस्तेमाल किया जाता है, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान योनि से रक्तस्राव होने की समस्या दूर करने के लिए भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। इसे एंड्रोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया की समस्या दूर करने में इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब गर्भाशय की परत अधिक मोटी हो जाने की समस्या दूर करने में भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। इसे हार्मोन इनबैलेंस की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं इस कैप्सूल की डोसेज की। आप अपनी समस्या बताकर इस कैप्सूल का डोस अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछ ले। इस कैप्सूल का डोस आपकी स्थिति पर निर्धारित रहता है। आप इसे अपने डॉक्टर की सलाह से ओरली या फिर वजाइनल भी ले सकते हैं। वयस्क महिला एक कैप्सूल दिन में एक बार एक निश्चित समय पर अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ले सकती है। साइड इफेक्ट, इस कैप्सूल के इस्तेमाल से होने वाले दुष्प्रभाव। यदि महिला को इस कैप्सूल में मौजूद किसी कंटेंट से एलर्जी है तो उन्हें बताए गए कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि महिला को बताए गए कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इसके इस्तेमाल से मितली, उल्टी, चक्कर आना, भूख न लगना, पेट दर्द, बालों का झड़ना, उलझन, ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इस कैप्सूल के यूज करते समय सावधानियां। अगर आपको इस कैप्सूल के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है या फिर आपको इस कैप्सूल में मौजूद किसी कंटेंट से एलर्जी है तो आप इस कैप्सूल का यूज न करें। अगर आप पहले से ही कोई अन्य मेडिसिन ले रहे हो तो इसकी सूचना अपने डॉक्टर को अवश्य दें। इस वजह से इस कैप्सूल का ड्रग इंट्रैक्शन या ओवरडोज होने की संभावना कम होती है। आप इस कैप्सूल को अपने मन से घर पर यूज न करें। इसे डॉक्टर की सलाह और डॉक्टर की निगरानी में ही यूज करें। इस वजह से आपको इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। गर्भवती महिला एक कैप्सूल यूज करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। इस कैप्सूल को पूरी तरह निगलना है, इसे आपको तोड़ना या चबाना नहीं है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन रिव्यूज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।